भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अब भगवान राम की शरण में पहुंच गए हैं। आज रामनवमी के पावन अवसर पर दिग्विजय हमीदिया रोड स्थित भगवान राम मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। साथ ही दिग्विजय ने राम मंदिर के सामने खाली पड़ी कांग्रेस कमेटी की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को देने का ऐलान भी किया। मर्यादाएं स्थापित की थी, उन पर ही देश के लोगों को चलना चाहिए, सभी लोगों को चलना चाहिए। आज इस अवसर पर आप सभी मित्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये भगवान राम का मंदिर के लिए हमारे कार्यकाल में ही भूमि दी गई थी और इसके सामने जिला कांग्रेस कमेटी के भवन के लिए भी दी गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि चूँकि राम मंदिर का प्रसार बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो जमीन भी हम जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को हस्तांतरित कर देंगे। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।